ये है हज़रत सैयद वारिस अली शाह रहमतुल्लाह अलैह का मजार शरीफ बाराबंकी देवा शरीफ में। और ये यहाँ पानी पिलाया जा रहा है ज़ायरीनों को, अभी ठंडी पानी। और यहाँ तब धूप बहुत तेज़ है, और एक बात है, यहाँ बिना चप्पल के आप चल ही नहीं पाएंगे, इतनी तपिश है। हाँ, अल्लाहु अकबर कबीरा, जब ये लम्हे भर की तपिश नहीं बर्दाश्त हो रही है, अल्लाहु अकबर कबीरा, वो कैसा मंज़र होगा क़यामत का, जब तांबे की ज़मीन असुरस सवा नेज़े पे होगी। यहाँ तो लम्हे भर के लिए चप्पल उतारने से लेकर दो कदम भी चलना मुहाल है, इतनी शदीद और ये तपिश है, पैर जो जलने लगते हैं। ये ज़ायरीन लोगों के लिए हाँ बनाया गया है कमरा, वो यहाँ पर आकर ठहर सकते हैं। और बहुत ही माशाल्लाह, बहुत ही कंट्रोल कंट्रोल। और अल्लाह का करम है कि हज़रत वारिस अली शाह रहमतुल्लाह अलैह के मजार शरीफ पे भी हाज़िरी का शर्फ हासिल हो गया। अभी सिर्फ 5 मिनट के लिए गए थे, इसलिए कि 11:55 में यहाँ पहुँचे और 12 बजे गेट बंद हो जाती है, और ज़ुहर की नमाज़ के बाद फिर से गेट खुलता है। और माशाल्लाह, ये जो देख रहे हैं, दाएं बाएं दोनों तरफ ज़ायरीन लोगों के लिए बनाया गया है। और ये जो है, ये मेन एंट्रेंस गेट है आने के लिए। और ये देखिए, इस साइड भी और इस साइड भी, दोनों तरफ ही ज़ायरीन लोगों के लिए बनाया गया। और यही मेन एंट्रेंस गेट है, और यही हज़रत सैयद वारिस अली शाह रहमतुल्लाह अलैह का आस्ताना है। इंशाल्लाह ज़ुहर के बाद, नमाज के बाद, इंशाल्लाह फिर से और बहुत ही खूबसूरत है। और ये जो है, यहाँ पे बहुत अच्छा चप्पल जूता रखने के लिए 10 रुपये ही नहीं दें, जितनी भी चप्पल जूते हैं ये हिफाजत रहेगी जी। एक ये, एक ये बहुत अच्छा, ताकि आप आएँ तो परेशान ना हो कि हाँ मेरी चप्पल कहाँ। देखें लोगों की तादाद माशाल्लाह बहुत है, और एक महीना हज़रत का उर्स रहता है, पूरे एक महीना, और बहुत कसीर तादाद में भीड़ रहती है। आपने देखा वहाँ पर पानी पिलाया जा रहा था, और ये जो है वहाँ पे बॉटल में पानी नहीं देते हैं, हाँ उसके लिए ये बना हुआ है। आप यहाँ से पानी भर लेंगे बोतल में, ठंडी पानी आती है। और वहाँ देखें लिखा है मोबाइल फ्री चार्जिंग, तो जिसको चार्ज करना हो उसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। ये सब जो देख रहे हैं, सब ज़ायरीनों के लिए जो आएंगे यहाँ पर उनके रहने के लिए। और ये जो देख रहे हैं, ये वाइट गुंबद, ये मस्जिद है जी।
और ये देखिए ज़ायरीनों की तादाद। और वहाँ का इंतज़ाम भी माशाल्लाह बहुत अच्छा है, चापाकल भी है। देखिए कितने सारे लोग हैं आए हुए हैं, बस। और ये जो सामने जो देख रहे हैं मस्जिद, माशाल्लाह कितनी खूबसूरत। ये वज़ू खाना माशाल्लाह बहुत ही बेहतरीन वज़ू खाना बनाया गया है जी। ये वज़ू खाना है, ये मस्जिद जो है गेट बंद थी, गेट खुल गई है। और ये जो है लंगर खाना, लंगर वगैरह यहाँ से तकसीम होता है। और ठीक उसके पीछे में ही है टॉयलेट, आप कज़ाए हाजत के लिए जा सकते हैं, नहाने के लिए अलग, जेंट्स के लिए अलग, लेडीज़ के लिए अलग, नहाने के लिए भी अलग अलग बना हुआ है। और माशाल्लाह मस्जिद भी बहुत ही खूबसूरत। देखें लोग अजीब अजीब बात करते। देखिए यहाँ अक्सर व बेशतर आप कहीं भी जाएंगे तो मज़ार शरीफ के साथ साथ मस्जिद भी रहती है, बता बस यही है। लोग कहते हैं ना सुन्नी नमाज नहीं पढ़ती, भाई जब नमाज ही नहीं पढ़ते तो फिर मस्जिद क्यों बनाई जाती साथ में? इसीलिए कि ज़ियारत यहाँ होगी और इबादत यहाँ होगी जी। और इनके वसील अल्लाह ने इनको अता किया है, ये अल्लाह की अता से हमारी जो भी जायज़ तमन्ना है वो कबूल होती है। हाँ जी, ये कभी नहीं कहा जाता ये अपने जाती तौर पे हमें फ़ायदा पहुँचाते, नहीं, अल्लाह के अता से। हाँ, अल्लाह ने इन्हें वो रुतबा, वो बुलंदी अल्लाह ने अता किया और ये अब इनके ज़रिए से मांगते हैं। और ईमान अकीदा यही है कि अल्लाह ने इनको अता किया है और ये अल्लाह के अता से ही हमें अता करते हैं। और मज़ार शरीफ पे हाज़िर होने का जो तरीका, जो इमाम अहमद रज़ा फाजली बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि आप जो है मज़ार को ना छुएं, ना चूमें, ना अदब से झुकें, ना उसका तवाफ़ करें, बल्कि आप मज़ार शरीफ से चार हाथ पीछे हट जाएं और वहाँ से फातिहा पढ़ें, जो सबसे बेहतरीन तरीका है। और साहिब मज़ार के वसीले से दुआ मांगें और अदब से आएं और अदब को ख्याल रखें, बेअदबी ना करें। तो आएं और फैज़ पाएं।